डीम बोर्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी सीबीएसई मैथमेटिक्स चैप्टर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी पढ़ने वाले, उसका हम एक्सरसाइज 6.3 देखेंगे। तो देखिए, हमने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। हमारे पास कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, हमें यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है ए बी सी, यहाँ पे दो एंगल दिया हुआ है, थर्ड एंगल जो एफ वो एक्स है, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम यहाँ पे जो यूज करने वाले वो करेंगे हम द एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है कि जो ट्राइंगल को जो तीनों एंगल है अगर हम इनको सम करेंगे तो 180 आएगा। तो हम उस चीज को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एक्स प्लस 50 डिग्री, यहाँ पे जो एंगल है वो 50 प्लस 60 इक्वल टू 180। देखिए यहाँ पे हम और एक लाइन पहले लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये जो तीनों एंगल है इनका सम 180 होगा। तो देखिए यहाँ पे दो एंगल दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे अगर सिंपल सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 110 इक्वल टू 180, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू 180 माइनस 110। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स इक्वल टू हमारा आ गया 70 डिग्री। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू में क्या मिल गया, एक्स इक्वल टू 70 मिल गया। ठीक है, तो देखिए अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एक एंगल 30 है और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एक सिंबल दिया हुआ है। जब भी ऐसा सिंबल दिया हुआ इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एक 30, एक 90 और एक एक्स है। सेम एंगल सम प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या आएगा, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू क्या जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू बैठाते हैं, एंगल पी इक्वल टू क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, और क्यू इक्वल टू है 30 और आर इक्वल टू है एक्स, तो इक्वल टू हो गया 180। तो अगर हम इनको सम करेंगे तो एक्स प्लस 120 इक्वल टू 180। ठीक है, और एक्स इक्वल टू आ गया हमारा 180 माइनस 120, तो एक्स इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो थर्ड डायग्राम है वो दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास दो एंगल दिया हुआ है, हमें यहाँ पे एक्स जो है वो निकालना है। सेम हम एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हमें क्या पता है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू बैठाते हैं, एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स इक्वल टू है 30 डिग्री, वाई इक्वल टू क्या है 110 और जेड इक्वल टू क्या है एक्स इक्वल टू 180 हो गया। अभी देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स प्लस, अभी सम करेंगे तो आ जाएगा 140 इक्वल टू 180 आ गया। ठीक है, अभी यहां से अगर हम यहाँ पे एक्स इक्वल टू 180 माइनस 140, तो एक्स इक्वल टू आ गया हमारा 40 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए हम नेक्स्ट डायग्राम जो है उसे देख लेते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है, दो एंगल एक्स है और एक 50 है। तो यहाँ पर भी हमें सेम एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे हो जाएगा, देखिए एक्स प्लस एक्स, दो एंगल एक्स है और तीसरा जो है वो 50 डिग्री है। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 180। तो यहाँ पे अगर हम सम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 50 इक्वल टू 180 और यहाँ पे 2x इक्वल टू 180 माइनस 50। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम माइनस करने के बाद 130 मिलेगा और यहाँ पे 2x था, तो x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 से हम, तो x इक्वल टू आ जाएगा 65। तो x का वैल्यू में क्या मिला, 65 मिला है। तो चलिए यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन भी मतलब फोर्थ जो डायग्राम था वो भी कंप्लीट हो गया, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो फिफ्थ डायग्राम है इसमें तीनों एंगल जो है वो इक्वल टू एक्स है। तो यहां पर भी हम सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी जो है वो यहां पे यूज करने वाले। तो हम यहां पे लिखते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी के क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी की इक्वल टू होगा एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू
180 और 3x इक्वल टू 180 और x इक्वल टू आ जाएगा 180/3 और x इक्वल टू यहां पे मिल जाएगा हमें 60 डिग्री। ठीक है, तो तीनों जो एंगल है वो इक्वल टू 60 है। अभी जो लास्ट है मतलब क्वेश्चन नंबर वन का जो लास्ट डायग्राम है हम उसे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो लास्ट डायग्राम है क्वेश्चन नंबर वन का वो देखिए यहां पे ऐसा दिया हुआ है। देखिए ऐसा सिंबल देने का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहां पे एक 90 डिग्री है और एक 2x है एक x है, तो यहां पर भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी जो है वो यूज करने वाले हैं। देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से एक 90 डिग्री प्लस 2x प्लस x इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहां पे 90 प्लस है तो यहां पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, 180 माइनस 90 और यहां पे कितने x है, यहां पे 2 यहां पे 1 तो गया 3x। 3x इक्वल टू 180 माइनस 90, तो देखिए यहाँ पे 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो मिल जाएगा हमें 90। ठीक है, और x इक्वल टू हमें मिलेगा 90/3 और यहाँ पे x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो x इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 30 मिल गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसे देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। हमें यहाँ पे x भी निकालना है y भी निकालना है डायग्राम में। तो देखिए पहला डायग्राम यहाँ पे हमने आपके लिए बना दिया है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक y है x है और 50 है और x ट्रायंगल 120 है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, हम जैसे करेंगे अगर आप उससे अलग भी कर सकते हैं। हम बताते जैसे देखिए यहाँ पे जो y है ठीक है और यहाँ पे जो 120 है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं y प्लस 120 इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ये क्या है, ये है लीनियर पेयर जिनका सम हमेशा क्या होता है, सम होता है 180। ठीक है, तो यहां से आप y इक्वल टू निकाल सकते हैं 180 माइनस 120 और यहां पे y इक्वल टू हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, और देखिए यहां पे देखिए x का वैल्यू, हम x का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यहां पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी कर सकते हैं। तो यहां पे क्या आ गया, ये आ गया हमारा 60 डिग्री। तो यहां पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी से x निकाल सकते हैं या हम निकाल सकते हैं एक्सटेड एंगल से, इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा। हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 50 डिग्री प्लस x और यहाँ पे हम y की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री क्योंकि हमने y जो है वो पहले निकाल के रखा है। तो यहाँ पे होगा 180 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम इसी लाइन पे लिख देते हैं x प्लस यहाँ पे देखिए 60 और यहाँ पे 50 तो ये हो गया 110 इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 180 माइनस 110 और x इक्वल टू आ गया हमारा 70 डिग्री। ठीक है, तो देखिए हमें x इक्वल टू क्या मिला है, 70 डिग्री और y इक्वल टू क्या मिला है, 60 डिग्री। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे जो x है x से निकाल सकते हैं और y को एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, हम अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, आंसर है यहाँ पे x इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, एंड y इक्वल टू है 60 डिग्री। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे हमने आपके लिए नेक्स्ट डायग्राम बना दिया है। तो देखिए यहाँ पे एक एंगल 50 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है और यहाँ पे दो साइड को एक्सटेंड करके एक एंगल बना है, वो है 80 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे हमें x और y का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यहाँ पे जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, हमने लिख दिया वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, तो यहाँ पे y का वैल्यू हमें मिल गया है। अभी हमें निकालना है x का वैल्यू। देखिए x का वैल्यू बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी x की जगह पे x ही रहेगा, y की जगह पे आप 80 लिख दीजिए। ठीक है, प्लस 50 इक्वल टू आ जाएगा 180। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 130 इक्वल टू 180 और x इक्वल टू 180 माइनस 130।
और x इक्वल टू आ गया हमारा 50 डिग्री। ठीक है, तो x के वैल्यू में क्या मिल गया, x के वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गया 50 डिग्री। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर x इक्वल टू 50 डिग्री एंड y इक्वल टू आ गया हमारा 80 डिग्री। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट डायग्राम है वो हमने आपके लिए बना के रखा है। तो यहाँ पे दो एंगल दिया हुआ है, एक है 60, एक है 50 और एक है y, एक्सट्रा एंगल x है। तो देखिए यहाँ पे हम पहले y को निकाल सकते हैं एंगल टर्म एंगल सम प्रॉपर्टी से, इसके बाद लीनियर पे ऐसे हम x निकाल सकते हैं, या तो हम यहाँ पे x वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, एक्सट्रा एंगल के साथ मतलब एक्सट्रा एंगल से, जिनमें द एक्सट्रा एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटर ऑपोजिट एंगल, तो यहाँ पे x निकाल सकते हैं और y को भी हम लीनियर पे ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो हम एक ट्राई करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से आ जाएगा 50 डिग्री, यहाँ पे 50 प्लस 60 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 आ जाएगा। ठीक है, और y प्लस 110 इक्वल टू 180 और y इक्वल टू 180 माइनस 110 और यहां पे आ जाएगा 180 इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ गया हमारा 70 डिग्री। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हमें लीनियर पेयर यूज करेंगे। तो देखिए x प्लस y इक्वल टू 180, क्यों 180 होगा, क्योंकि है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर है। देखिए लीनियर पेयर क्या होता है, सेम वर्टेस है और दो ऑपोजिट डायरेक्शन, जो नॉन कॉमन साइड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में और एक कॉमन साइड है। ठीक है, तो ये जो होता है वो 180 होता है। अभी देखिए यहां पे y का वैल्यू जो है हम बैठा देते हैं, x प्लस 70 इक्वल टू 180 और x इक्वल टू 180 माइनस 70 और x इक्वल टू आ गया हमारा 110। तो यहां पे हम मार्क कर देते 110। ठीक है, तो आंसर हमें क्या मिल गया, आंसर हमें मिल गया है x इक्वल टू 110 एंड y इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है इसको देखिए हम चेक भी कर सकते हैं, हमें पता है कि जो y x होगा वो सम ऑफ ऑपोजिट इंटर एंगल होगा। देखिए इनका सम क्या है, 110 है, तो यहां पर 110 ही आया, तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट डायग्राम है उसे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जो नेक्स्ट डायग्राम है वो यहां पे दिया हुआ है, यहां पे एक 30 है, एक्स है, वाई है। तो देखिए यहां पे हम एक्स इक्वल टू 60 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो हम लिख देते वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, हमें पता है कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो हम यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्स निकल गया हमारा, अभी हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या आएगा, 30 डिग्री प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। देखिए हमारे पास एक्स का जो वैल्यू है वो हमें पहले मिल चुका है, एक्स का वैल्यू क्या मिला हमें, एक्स का वैल्यू मिला हमें यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू है वो हम 60 लिख देंगे, तो यहां पे आ गया प्लस 60 प्लस y इक्वल टू 180 और y प्लस 90 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू 180 और y इक्वल टू आएगा 180 माइनस 90। ठीक है, और y इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें y का वैल्यू क्या मिल गया, y का वैल्यू हमें 90 मिल गया। तो यहां पे हम आंसर जो है वो हम लिख देते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है, x इक्वल टू है हमारा 60 डिग्री और y इक्वल टू है 90 डिग्री। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जो डायग्राम है हम आपके लिए वो देखेंगे। तो देखिए जो नेक्स्ट डायग्राम है यहाँ पे हमारे पास दो एंगल x दिया हुआ है और एक एंगल y है और दो साइड को एक्सट्रीम का एक एंगल बना है वो 90 डिग्री है, हमें यहाँ पे x और y का वैल्यू है निकालना है। तो देखिए यहाँ पे y इक्वल टू हम 90 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल लिख देते हैं। देखिए
वाई निकल गया हमारा, अभी दो एक्स है। अभी हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करने वाले। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या आएगा, एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 180। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x, y का वैल्यू हमें पता है, y का वैल्यू हमें क्या मिला, 90 मिला है, ठीक है, इक्वल टू 180। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2x इक्वल टू 180 माइनस 90, ठीक है। और यहाँ पे 2x इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। और यहां से हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 90 बाई 2 और x इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है, आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 45 डिग्री और y इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x इक्वल टू 45 डिग्री एंड y इक्वल टू हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए इसके बाद जो लास्ट डायग्राम है हमारा वो कौन सा है, वो ऐसा है जहां पे हमें यहाँ पे सिर्फ एक y दिया हुआ है एंगल ट्राइंगल के अंदर और एक यहाँ पे x दिया हुआ है थी, ठीक है, बस यही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखिए तो ये y और x जो है वो इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। और यहाँ पे जो ये जो एंगल है ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ए भी x हो गया और ए भी x है, ठीक है। तो देखिए पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, पहले चीज हम जो लिखना है वो लिखना है हमें y इक्वल टू x, ठीक है, क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, सम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या आएगा, देखिए ये x है ये भी x है, तो x प्लस एक्स इक्वल टू वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये भी x है ये भी x है और ये y है। तो यहाँ पे 2x, ठीक है, और y का वैल्यू हमें नहीं पता, y इक्वल टू x है, तो यहाँ पे ये भी x हो गया इक्वल टू 180। यहाँ पे 3x इक्वल टू 180 और x इक्वल टू आएगा 180 बाय 3 और x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है, x इक्वल टू का आएगा 60 डिग्री। देखिए हमने यहाँ पे पहले लिख के रखा है कि जो x है और y है वो इक्वल है, तो यहाँ पे जो y आएगा वो भी इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू भी आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 60 डिग्री और y इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन को आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं, आप इसको 1 ले सकते हैं, तो तीनों एंगल का जो सम होगा वो तीनों एक्सेस बराबर है और इन तीनों का सम क्या है, वो तीनों का सम 180 है, तो वहां से हम निकाल सकते थे, पर मेरे हिसाब से ये वाला जो ओए है वो ज्यादा आसान है, ठीक है। तो ये जो पूरा चैप्टर है वो एंगल सम प्रॉपर्टी के ऊपर था कि एंगल द सम ऑफ ऑल एंगल, मतलब तीन जो एंगल जो ट्राइंगल के है उनको अगर हम सम करेंगे तो हमें 180 मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो समझ आया, वीडियो में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है कोई भी डाउट है तो आप कमेंट से पूछिए, हम आपकी डाउट क्लियर करने की आपकी कंफ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने जो शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो ले लें आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हम जब भी वीडियो बनाए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।